फरीदाबाद में हजारों युवाओं के साथ निशानेबाज मनु भाकर ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। साथ ही मनु भाकर ने लोगों को सेहत के लिए समय निकालने का भी संदेश दिया। फरीदाबाद में आप मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां पर मनु भाकर हैं, देश की बेटी है, वो यहां पहुंची हैं और आखिर क्या कुछ कहना है इनका इन समझाते हैं। मनु जी पहुंचे आप मैराथन में, मुख्यमंत्री भी मौजूद है जी। इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा ही लोगों को उत्साहित करते हैं और मेरे ख्याल से हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और अपने एनवायरमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। क्या कहेंगे हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और तमाम युवाओं को, क्या संदेश आपकी तरफ से? मेरा संदेश यही है कि अपने आप को फिट रखो, जितना हो सके अपना वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ और खूब सारी मेहनत करो, आगे बढ़ो जिस भी फील्ड में आप मैराथन किए जाते हैं। इससे कितना फायदा युवाओं को पहुंचता है? मैराथन से मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव ये मैसेज आता है कि आप अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए। आगे अभी जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको टैकल कीजिए, एक्सरसाइज करो बहुत सारी, रनिंग करो बहुत सारी, अच्छा खाना खाओ और अपनी सेहत का ध्यान। तो ये थी देश की बेटी मनु भाकर, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा कि अच्छा खाना खाना चाहिए और भारी संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में, हालांकि आज बरसात आई थी लेकिन बरसात के बाद भी जो धावक हैं उनके इरादों पर पानी नहीं फेर पाई और उसके बावजूद हजारों की संख्या में जो है धावक यहाँ इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और अब कहीं ना कहीं NCR की सबसे बड़ी जो हाफ मैराथन इसको बताया जा रहा है, तमाम हजारों की संख्या में जो धावक पहुंचे हैं।